तो गाइस रूप हियर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस वेलकम टू फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑफ आवर वन ब्लॉक सीरीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये बात बहुत ही ज्यादा दुख भरी है। एक्चुअली क्या हुआ ना, इस वर्ल्ड का जो मेरा प्लेयर डाटा था वो करप्ट हो गया। प्लेयर डाटा करप्ट होने का मतलब है माइनक्राफ्ट ने हमारी जेबें खाली कर दी। मेरा मतलब है कि मेरी इन्वेंटरी का सारा सामान उड़ गया। कह दो कि ये झूठ है। एक और बुरी खबर बतानी है मेरे को। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी और वो करप्ट हो गई। मैंने कम्युनिटी में पूछा भी था कि क्या करूं। 89% ने बोला आगे से रिकॉर्ड कर लो। ओके, तो मैं आगे से रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। लेकिन इन दोनों बुरी खबर ने मेरा थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो वहाँ आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्या निकल रखा है वो अजीब सी चीज। एक्चुअली अजीब सी चीज अपना वीट फार्म है जो मैंने उस करप्टेड वीडियो में बनाया था। नहीं, करप्टेड वीडियो में नहीं बनाया था, वीडियो करप्ट हो गई थी बनाने के बाद। ये क्या हो रहा है भाई, मैं ऊपर जा रहा हूं तो क्रॉप ही हट जा रही है, और नीचे आ रहा हूं तो वापस लग जा रही है। तो आज अपन अपने वीट फार्म को थोड़ा और एक्सटेंड करने वाले हैं। मैंने सोचा था कि मैं इसको थोड़ा ऊपर बनाऊं, लेकिन ऊपर बनाने में मेरा खून पसीना एक हो जाएगा, पहले ही कम है। तो मैं इसको यहाँ से आगे से एक्सटेंड करने वाला हूँ। फिलहाल तो अभी मैं थोड़ी बहुत ये वीट उखाड़ लेता हूँ। तो अभी मैंने इसको एक्सटेंड तो कर दिया है और रात भी हो गई है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं रात को यहाँ बनाऊँ मॉब्स के साथ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। तो अभी अगले दिन की सुबह हो चुकी है और अभी मेरे को थोड़ी बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं एक ही ब्रेड बनाऊंगा। यार मेरे यहाँ ट्रेडर तो आते नहीं है, पता नहीं ये लामा कहाँ से स्पॉन हो जाते हैं, इनकी ऐसी की तैसी करने का मन करता है। बदतमीज जानवर थूकता है। तो मेरे वुड बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी सैपलिंग लगा दी। और वुड क्यों काम आएगी वो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। हाँ याद आ गया, अपने को अपना वीट फार्म एक्सटेंड करना। वो केव्स लेवल 3 आ चुका है गाइस, इसके बाद थोड़ा डेंजर होने वाला है, लेकिन केव्स वाली चीजें मिलने वाली है, तो थोड़ी माइनिंग कर लेता हूँ। लेवल 3 की चेस्ट आ चुकी है और इसके अंदर क्या है, नेम टैग है, सैडल है, बाकी तो फालतू का सामान है। लेकिन जो ये क्या मेलन सीड्स है, इनको लगाएंगे तो थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेट्स माइन अगेन। और यहाँ गोल्ड भी बहुत सारा आने लगा है। अभी गोल्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे अमाउंट में आ रहा है, जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा, ये 9 गोल्ड हो गया है। तो इसको भी मैं पकाने के लिए डाल देता हूँ। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज तक वन ब्लॉक में एक भी घर क्यों नहीं बनाया। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत ही मस्त प्लान है घर के लिए, जो कि मैं अगले वीडियो में करने वाला हूं। और उस प्लान के लिए मेरे को गोल्ड चाहिए था, जो कि आ चुका है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत और माइन कर लेता हूं। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने ये पहले गाना क्यों डाला, अच्छा लग रहा था इसलिए डाल दिया, लेकिन कॉपीराइट आएगा तो मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। तो इस फार्म को मैं थोड़ा लंबाई में रखना चाहता हूँ, जो डर्ट है पहले तो उसको यहाँ से आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये वाली दिक्कत मेरे को पहले फार्म बनाने में भी आई थी, अभी भी आ रही है, कि जो मैंने ये स्लैब लगाए हैं इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो पानी यहाँ से आगे नहीं बहेगा, इसका मतलब मेरे को एक एक स्लैब पे पानी लेके डालना पड़ेगा। बस यही एक दिक्कत है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसके अलावा बाकी सब ठीक है। तो मेरे पास अभी इनफ प्लैंक नहीं है कि मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर लूं, इसलिए मैं थोड़ा सा वुड काट लेता हूं। इसके लिए एक्स भी खर्च करनी पड़ेगी, और वुड अभी मेरे पास ब्रिंच वाली, और ब्रिंच थोड़ी ओक से डिफरेंट होती है, तो थोड़ा स्लैब्स में भी फर्क आ जाएगा, लेकिन इतना बहुत तो चलता है। दिन हो गए और मेरे से बस इतना सा काम हुआ है कि मैंने डर्ट और उस प्लैंक लगाया, रात हो गई, वहाँ मेरे को मकड़ी दिखी। यार वो मारने भी भाग रही है, वो तो मेरे पीछे भूखो लग रही है, अगर अभी हेल्थ गई तो मार नहीं रही है उसे। ओ भाई मार रही है, थ्रोन्स वाला आर्मर पहन के आई, लेकिन इसने मेरे से पंगा लिया था तो मरना तो था ही। तो अगले दिन की शुभ सुबह नहीं शुभ रात्रि छोड़ो जो भी हो गई है, अभी मैं फिलहाल थोड़े बहुत स्लैब्स लगाता हूँ कॉबल स्टोन के, जिसमें मैं साइड में लगाऊंगा ताकि उस पे मैं थोड़े वो रख सकूं, क्या बोलते हैं उनको, फैंस। हाँ फैंस रखूंगा इनके ऊपर। और फिलहाल तो अभी मेरे पास वुड की फिर से कमी हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत वुड और काट लिया मैंने, और फिर फैंस भी बना लिया। और फैंस के कॉर्नर का डिजाइन तो मैंने किसी ट्यूटोरियल में देखा था,
किसी शॉर्ट्स में देखा था कि यहाँ पे एक टॉर्च रखनी है और फिर इसके ऊपर एक स्लैब लगाना है तो कि बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे तो अच्छा नहीं लग रहा, उसके कैसे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रिनोवेशन, अब बताओ अब कैसा लग रहा है? ये तो टट्टी है। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा क्या करना था मेरे को मैं फिर से भूल गया। पता है मेरे को क्या खाना चाहिए? क्या मेरे को खाना चाहिए? तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो। देखो क्या हो गया ना यहाँ पे, अब मैं जैसे यहाँ पानी डालूंगा ये इधर उधर फैल नहीं रहा, इससे मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स देखो नहीं बना सकता, इसलिए मेरे को साइड में एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा, उससे पानी लेना पड़ेगा उधार पे, जो कि मैंने मेरी खेती बाड़ी के बीच में बना दिया। अब यहाँ पे पानी डालूंगा भाई यार साइड में फैल गया, सारी क्रॉप खराब हो गई, लेकिन वो उग गई थी तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दूसरी साइड डाल दूंगा और अरे यार क्या चाहता हूँ यार मैं, हो गया लगभग, अब सब मैं पानी भर देता हूँ। ऑल राइट मैंने सब कुछ कर दिया, अगर मैं इतनी मजदूरी कहीं जाके करता तो महीने भर का राशन का जुगाड़ हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसमें वीट उगा देता हूँ, डाल देता हूँ, मतलब बस यहाँ पे जो पहले कबाड़ा कर रहा था उसको सही कर देता हूँ। एक हो मार के, एक तो मेरी हो की सारी एचपी खराब हो गई, वैसे लकड़ी का था लेकिन फिर भी कोई बात। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो में सच में बहुत ही ज्यादा मजदूरी करी, तो इस वीडियो का लाइक है मैं सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक तो कर ही सकते हो ना यार, बहुत कम है। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग। एक मिनट भाई रुको 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 जरा। तो गाइस दिक्कत ये हो गई कि मेरे एग्जाम चालू होने वाले, तो उस टाइम पे वीडियो एक भी नहीं आएगी, लिटरली एक वीडियो नहीं आएगी 26 अप्रैल तक। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग बादाम, आई मीन टिल देन कीप वॉचिंग रूट।